देश भर में रंग पंचमी के त्योहार की बड़ी ही धूम से उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन इंदौर में इसका उत्साह बड़े ही चरम पर है। दरअसल इंदौर शहर में होली की ज्यादा रंग पंचमी को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। करीब 60 से ऐसी संस्था है जिसे द्वारा भाग जाता है और गेंद निकाली जाती है। इस गेम में शामिल होने के लिए लाखों लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर जमा होकर एक दूसरे पर रंग लगा कर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ गए हैं। क्या बताइए, आप पहले तो आपका नाम बताइए। बताइए, आपको रंग पंचमी देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये पहली बार मैं इंदौर की गेट देख रही हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से ही हूँ, बट आज तक कभी मौका नहीं मिला था इंदौर की गेट देखने का। आज फर्स्ट टाइम इन होल 28 इयर्स फर्स्ट टाइम आज मैं इंदौर की गेट देख रही हूँ। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे रंगों में सराबोर होते लाखों लोगों की पब्लिक है, तो इसमें सब डर वगैरह ऐसा कुछ लगता नहीं आपको? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है, सब ऐसा लग रहा है मिलजुल के एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल लग रहा है। हमारे साथ में एक भाई और मौजूद है, आपका नाम बताइए। जी अर्पित जैन नाम है मेरा, और ये जो है इंदौर का एक सबसे, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा महोत्सव है, ये रंगारंग महोत्सव है। और ये जो कल रात से ही शुरू हो चुका है महोत्सव बजर बट्टू के रूप में, और अभी चली रहा, आप देख ही रहे हैं यहाँ लोग, यहाँ कोई मतलब गोरा नहीं, काला नहीं, किसी प्रकार का रंग का भेदभाव नहीं, सब कलर के सब लोग हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस कलर का त्यौहार है, कोई भी कलर का आदमी खेल सकता है, किसी भी कलर से खेल सकता है, तो सबसे अच्छा त्यौहार इसीलिए है। कोई भी खेले, अमीर खेले, गरीब खेले, सब एक जैसे दिखते हैं। आज के दिन सबके फटे कपड़े हैं, कोई नया कपड़ा नहीं, सब पुराने कपड़ों में त्योहार मना लिया जाता है। ये त्योहार अपने आप में अद्भुत त्योहार है। इनका कहना है कि रंग और बुरे काले का कोई भेदभाव ना अमीर और ना गरीबी का। हमारे साथ में एक और यहाँ पे मौजूद है, आपका नाम बताइए। तनवी जैन। अच्छा तनवी जैन, आप कहाँ से? इंदौर से ही हूँ। कैसा लग रहा है आपको इस त्योहार? बहुत अच्छा लग रहा है, और काफी सालों बाद ये मौका मिला है कि इतना अच्छे से सब लोग एक साथ आकर के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है। सब बच्चे बूढ़े सभी वर्ग के यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, और फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ कह सकते हैं यूनिटी दिखती है यहाँ पर। हर समाज, हर कैटेगरी से लोग यहाँ पर हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा इतने लोग, लाखों के लोग यहाँ पे जमा होते हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं कि आप महिला हैं, कुछ ऐसा डर लगा? नहीं नहीं, गैर की, इंदौर की गैर की यही खास बात है कि हम लोग बहुत सेफ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कोई भी किसी से मिसबिहेव नहीं करता है। इवन नीचे ग्रुप में लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बट सब एक सम्मान, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि गैर में जाना लड़कियों के लिए अनसेफ है या किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का उत्साह है, और उनका यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की यहाँ पे कोई खतरा या मतलब कोई सुरक्षा को लिहाज से कोई भी परेशानी नहीं आती है। वही बात करें हम जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन द्वारा भी इस गेम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए कवायद की जा रही है, ताकि इसको इस गेम को भी विश्व पटल पर पहचान मिल सके। न्यूज़ इंदौर।